यानी गट्टे की सब्जी, जिसे हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। हम ये गट्टे की सब्जी 6 से 7 लोगों के लिए बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 कलछी रिफाइंड ऑयल, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच लाल मिर्च, 6-7 लहसुन की कली घिसी हुई, 1 प्याज चॉप किया हुआ, 2 टमाटर चॉप करे हुए, थोड़ी सी मीठी नीम। मीठी नीम को कई जगह करी पत्ता भी बोला जाता है। 1 कटोरी दही, दही अगर खट्टा हो तो ज़्यादा अच्छा है, और 1 कटोरी धनिया चॉप किया हुआ। गट्टे बनाने के लिए हम लेंगे 2.5 कप बेसन। इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हींग, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। बेसन के साथ इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही एक तरफ गैस पर हम 1.5 लीटर पानी बॉईल करने के लिए रख देंगे, जिसमें कि हमें गट्टे उबालने हैं। अब सब कुछ मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंदेंगे। इस बेसन को ना तो हमें बहुत हार्ड गूंदना है और ना ही बहुत सॉफ्ट गूंदना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। स्क्रीन के नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबाएं और मेरी रेसिपी सबसे पहले देखें। इसके बाद हम हाथ को चिकना करके उंगली की बराबर मोटाई के रोल बनाकर पानी में डालेंगे। बेसन के सारे रोल बनाकर हमने उबलते पानी में डाल दिए हैं। गट्टे जब तक उबल रहे हैं तब तक हम दूसरी तरफ गट्टे की ग्रेवी तैयार करेंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम उसमें तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म हो जाए फिर हम उसमें हींग डालेंगे, जीरा ऐड करेंगे, लहसुन ऐड करेंगे, लहसुन जब तक गुलाबी हो जाए तब तक हम उसे भूनते रहेंगे। लहसुन भून चुका है, अब हम इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे और इसे भी गुलाबी होने तक भूनेंगे। एक तरफ हमारा प्याज भून रहा है तब तक हम देखेंगे हमारे गट्टे उबल गए हैं या नहीं। जब गट्टे उबल जाते हैं तो उसमें थोड़े थोड़े से दाने उभर आते हैं। अभी इन गट्टों में मुझे थोड़ी सी गुंजाइश नजर आ रही है, इसलिए अभी 2 से 3 मिनट इन्हें और पकाएंगे। प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। प्याज टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें नमक डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे। 2-3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे सिम गैस पर पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हमारे गट्टे उबल चुके हैं, अब इन्हें उतार लेंगे। उबले हुए गट्टों को पानी से अलग बाउल में निकाल लेंगे, फिर इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। मसाला भून चुका है, इसने तेल छोड़ दिया है, अब हम इसमें कटे हुए गट्टे ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। अब हम इसमें जिस पानी में गट्टे उबाले थे वो पानी ऐड करेंगे। पानी हम उतना ही डालेंगे जितनी हमें ग्रेवी गाढ़ी चाहिए।
अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पर 7 से 8 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। मेरे पास थोड़ी सी करी पत्ता लीव्स बची हुई थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। आप चाहें तो कर लीजिए, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिक्स करेंगे। गैस बंद करके हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। हमारी गट्टे की सब्जी तैयार है। इसे बाउल में निकालकर हरे धनिया की पत्तियों से गार्निश करेंगे और इसे सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।